ये दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही है, संसद से महज 1 किलोमीटर दूर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी आवाज़ पहुंचाने जा रहे थे, हम लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, कोई हल्ला नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि आप मुझे ज्ञापन देने से भी रोक रहे हैं, अपनी बात कहने से भी रोक रहे हैं? तो सीधा और सीधा ये गैर लोकतांत्रिक सरकार है, हर तरीके के प्रतिरोध के स्वर को, चाहे किसानों का मसला हो, मजदूरों का हो, शिक्षकों का हो, छात्रों का हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, मुसलमान का हो, पिछड़ों का हो, कोई भी जो इस देश में जो परेशान है और इंसाफ के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहा है, वैसे सारे स्वर को ये सरकार दबा देना चाहती है। अभी हमें कह रहे थे अंदर की आप प्रतिरोध कीजिए रामलीला ग्राउंड में, तो ये सरकार पैसे को लेकर इतना ये स्वार्थी है, ये लालची है कि देश बनता है लोगों से बनता है, जहाँ जनता परेशान हो और कुछ पूंजीपति या कुछ बड़े लोग खुश हो, तो उस देश और लोकशाही होने का क्या अर्थ है ये सरकारी देश की जनता को समझाए। दूसरा कहते हैं वहाँ 50,000 रुपया फीस लगेगा, तो जहाँ पे प्रतिरोध करने के लिए 50,000 रुपये फीस लग रहे हों, क्या वो लोकशाही लोकतंत्र वाला देश है क्या? ये सवाल मैं रखता हूँ इस देश की जनता के सामने। गरीब मजदूर, किसान, महिलाएं, तमाम लोग, जो दलित, पिछड़े, जो असंतुष्ट हैं, जो इस सरकार के अत्याचार से अपनी सहमति नहीं रखते, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्या वैसे लोग पहले 50,000 रुपया इकट्ठा करेंगे और तब प्रतिरोध करेंगे? तो ये सरकार की जो जन विरोधी जो नीति है और इनकी जो पूंजीवादी और मनुवाद का जो गठजोर हो गया इस सरकार में, वो साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये गरीब लोगों को न पैसा होगा, न दलितों को पैसा होगा, न मजदूरों को पैसा होगा, न किसानों को पैसा होगा, उसको सारे स्वर को दबा देंगे और सीधा जो है अडानी अंबानी को खुश रखेंगे, सरकार यही मंशा है। इसके खिलाफ़